शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन मौके उन्होंने श्रद्धांजलि देन खटकड़ कला पहुंचे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खेती सोध बिल की की खुल के बगावत। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारिया पार्टियां एकजुट होकर खेती बिलों का विरोध करने की अपील। बहबल कला मामले च SIT वालों सुमेत सैनी ते परमराज सिंह उमरा नंगल नूं कीता नामयद, किसी भी समय पूछताछ ली जा सकता बुलाया। दिल्ली दे इंडिया गेट सामने यूथ कांग्रेस वालों साड़िया गया ट्रैक्टर, पांच कांग्रेसी ले हिरासत च। सत श्री अकाल, दैनिक सवेरा दे न्यूज रूम तो मैं हरमन। शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन मौके उन्होंने श्रद्धांजलि देन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खटकड़ कला पहुंचे जिथे उन्होंने खेती सोध बिल की खुल के बगावत की। इस मौके मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार केंद्र के काले कानून खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काएगी और कानूनी तरीके नाल ये लड़ाई लड़ेगी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह के जन्मदिन मौके उन्होंने श्रद्धांजलि देने लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खटकड़ कला पहुंचे जिथे पहला तो ही प्रोग्राम उलीके गए सन। श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री ने अपने भाषण राही खेती सोध बिलों के खिलाफ जोरदार तरीके नाल आवाज चुकी। इस मौके CM ने केंद्र सरकार ते वार करदिया कहा कि भाजपा सरकार सूबे दीआं सरकारां तो सब कुछ खो रही है। पंजाब जिसकी आमदन खेतीबाड़ी ते निर्भर है, वह इन्हां बिलों तो बाद सूबा सरकार किवें चलावेगी। अगर किसान यूनियन अपन कर रही ने इत अपने हड़ताल, उन्होंने घर है, उन्होंने रोजी रोटी खो रहे, उन्होंने बच्चों भुखे मराओगे। मुख्यमंत्री ने बयान देते हुए कहा कि हुण पंजाब सरकार केंद्र दे इस काले कानून खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़काएगी अते कानूनी तरीके नाल ए लड़ाई लड़ेगी। कल परसों ए दो दिन च असीं इस गल नूं फैसला करना है, असीं अगे कित्थे कदम है कह चुके हैं, इस इशू नूं असीं लैके जावांगे अगे। हुण तां राष्ट्रपति जी ने बिल पास करता, हुण सानूं असीं कदम चक के इहनूं सेंटर दी सुप्रीम कोर्ट दे विच लैके जावांगे, असीं लड़ाई लड़ांगे। अधिकार कोई नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ए कई बार इन्होंने पंजाब सूबियां दे सारियां ताकतां खरीद जिहड़ियां साडे कोल हुंदी सी, साडे कोल ताकतां ओह तुसीं खोलियां, हुण तुसीं आ भी खोल लिया एग्रीकल्चर दी। केड़ी चीज़ तुसीं सूबियां कोल छड्डनी है, कुछ छड्डनी भी है या नहीं? सब कुछ तुसीं खोलिया तो फिर असीं सूबे कैसे चलावांगे। यूथ कांग्रेस के वर्करां वल्लों दिल्ली के इंडिया गेट सामने ट्रैक्टर साड़न के मामले च पांच कांग्रेसी वर्करां नूं हिरासत च लिया गया। दस दिए कि इन्हां वर्करां वल्लों ट्रक च लद के ट्रैक्टर दिल्ली ले जाया गया जिथे इंडिया गेट के सामने अग लगा दी गई, जिस तों बाद इन्हां ते कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली तों जिथे इंडिया गेट के सामने खेती बिलों के विरोध में ट्रैक्टर साड़े जाने के आरोप च दिल्ली पुलिस ने पांच कांग्रेसी वर्कर हिरासत च लै ले ने। दस दिए कि यूथ कांग्रेसी प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों की अगवाई में कांग्रेसी वर्कर एक ट्रक दे विच इस ट्रैक्टर नूं लद के दिल्ली लै गए सन, जिथे उन्हां इंडिया गेट दे सामने इस ट्रैक्टर नूं अग लगा के साड़ दिता ते खेती बिलां दे विरोध विच अपना प्रदर्शन कीता। दस दे कि इह ट्रैक्टर इस तों पहलां अंबाला दे विच प्रदर्शन दौरान इन्हां कांग्रेसी वर्करां दे वलों साड़िया गया सी, अते उस तों बाद अज इन्हां दिल्ली जाके भी प्रदर्शन कीता, जिथे प्रदर्शनां दी सख्त मनाई है। उसे एरिए दे विच इन्हां कांग्रेसी वर्करां दे वलों एक ट्रैक्टर नूं अग लगाए जाण दे आरोप हेठ दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस दे पांच नेता हिरासत च लै ले ने, जबकि यूथ कांग्रेस दे प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों अजे पुलिस हिरासत च नहीं ले गए। सूत्रों तो मिली जानकारी मुताबक बहबल कला मामले च साबका DGP सुमेत सैनी अते परमराज उमरा नंगल नूं नामजद कर लिया गया अते SIT दे वल्लों किसी भी समय सुमेत सैनी अते उमरा नंगल नूं बुलाया जा सकता है। इस वेले दी अहम खबर आ रही है बहबल कलां मामले नाल जुड़ी हुई। सूत्रां दे मुताबक इस मामले दे विच वी साबका DGP सुमेत सिंह सैनी नूं नामजद कर लिया गया है। सुमेत सैनी अते परमराज उमरा नंगल नूं इस मामले दे विच नामजद किया गया है। सूत्रां दे हवाले तो अजिही जानकारी सामने आ रही है। दस्सिया जा रहा है कि एक पत्र दे जरिए इस मामले च बनाई गई SIT ने जिला सैशन अदालत फरीदकोट नूं इसकी जानकारी दिती है, जिसके बाद हुण कहा जा रहा है कि किसी भी दिन SIT दे वल्लों पुछगिछ लई सैनी अते उमरा नंगल नूं बुलाया जा सकदा है। दस दी कि कुछ दिन पहला ही दैनिक सवेरा ने अजिहा खदशा भी जताया सी कि इस मामले दे विच जल्द सैनी दीआं मुश्किलां वध सकदीआं ने, जिसके बाद हुण सूत्रां दे हवाले तों वड्डी खबर सामने आ रही है कि मुल्तानी मामले दे विच घिरे होए सुमेत सैनी हुण इस मामले दे विच वी नामजद कर ले गए ने अते जल्द कुमार विजय प्रताप की अगुवाई वाली SIT दे वल्लों सैनी दे कोलों पुछगिछ की जा सकती है। सूत्रां दे हवाले तो यह वड्डी
जानकारी सामने आ रही है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल आज शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के मौके पर खटखड़ कला पहुंचे जिथे उन्होंने खेती बिल का जम के विरोध किया। मनप्रीत बादल ने कहा है कि यह लड़ाई हुण कानूनी तरीके नाल लड़ी जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। हुण सानू कानूनी लड़ाई लड़नी पैनी है, प्रेशर तो रखना पैना है और जिस तरह सीएम साहब ने कहा कि असी सुप्रीम कोर्ट से सानू इतमाद है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा असी खटखटावांगे और दो बिना ते लड़ाई लड़ी जाएगी। एक तो यह है कि ये जड़ा कानून बने है, एग्रीकल्चर एक स्टेट सबजैक्ट है, सेंटर नू कोई अधिकार नहीं पैंदा कि उहदे च वो मुदाखलत करे। दूसरा कि एक सरकार नू दूजे सरकार की इकोनमी नू तबाह करन दा कोई अख्तियार नहीं है, सो सुप्रीम कोर्ट इन्हां दोनों गल्लां ते फैसला देगा। पिंड खटखड़ कला च शहीद भगत सिंह नूं श्रद्धांजलि देण पहुंचे हरपाल चीमा ने विरोधी पार्टियां ते जम के शब्दी वार कीते। उन्हां कहा कि आम आदमी पार्टी खेती बिल्लां दा डट के विरोध करदी है। अज शहीद आजम भगत सिंह दे जन्म दिहाड़े मौके पिंड खटखड़ कला च आम आदमी पार्टी दे लीडर हरपाल सिंह चीमा नमन करन पहुंचे। इस मौके उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह ने देश लई कुर्बानी दित्ती है, एक बार फिर देश का माहौल एहो जिहा ही बनिया होया है ते केंद्र दी बीजेपी सरकार पंजाब दे किसानां नूं बर्बाद करना चाहुंदी है ते आम आदमी पार्टी इस काले कानून दा डट के विरोध करदी है ते अज असीं शहीद भगत सिंह नूं नमन करन आए हां ताकि सानूं पंजाब नूं नुकसान पहुंचाउण वालिया दा डट के सामना करन दी हिम्मत मिल सके। आम आदमी पार्टी दे पंजाब विधानसभा दे विरोधी धिर दे नेता हरपाल चीमा इत्थे पहुंच चुके ने। तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो कि शहीद आजम शहीद भगत सिंह दे जन्म दिहाड़े ते नमन करन वास्ते खटखड़ कला आम आदमी पार्टी दे LOP हरपाल चीमा इत्थे पहुंचे ने। तस्वीरां तुसीं देख सकदे हो कि नमन किया जा रहा शहीद आजम भगत सिंह दे स्टैचू नूं। चीमा जी हरपाल जी सर की कहना चाहोगे अज इत्थे नमन करन वास्ते पहुंचे हो, किसान मूवमेंट नूं भी अज इत्थों दी नवी सेध मिलन जा रही है? बिल्कुल, शहीद आजम भगत सिंह नूं श्रद्धा दे फुल भेंट किए जा रहे ने आम आदमी पार्टी दे वफद वालों ते हुण। हाँ जी चीमा साहब की कहना चाहोगे अज इत्थे पहुंचे हो, शहीद आजम भगत सिंह नूं नमन कर रहे हो? देखो अज पूरा पंजाब, एक मिनट, पूरा पंजाब पूरा देश जिहड़ा हैगा वह काले कानूनों का विरोध कर रहा। जिस तरह सरदार भगत सिंह उन्होंने अपनी शहादत दिती सी, उस तरह मैं समझदा अज का माहौल बनया पिया। अज BJP ते अकाली दल जिहड़ा हैगा वह देश नूं बर्बाद करना चाहुंदा गा, पंजाब दे किसान नूं बर्बाद करना चाहुंदा गा, तां ही यह फांसी का फंदा, तां ही यह काले कानून लैके आया गा। आम आदमी पार्टी डट के इहदा विरोध करदी आ। अज शहीद आजम सरदार भगत सिंह दे जन्मदिन के उत्ते जिते असी लोगों को मुबारकबाद दें उत्ते असी नमन होण आएंगे, नतमस्तक होण आएंगे, तां कि जिहड़ी सोच आ ये सोच पंजाब के लोगों के जी अच कुट कुट के भरी हुई आ, सो ये इस सोच के नाल ये जी रजवाड़ा शाही सोचा का मुकाबला किया जाए, क्योंकि इस समय रजवाड़े जोड़े है वो पंजाब से काबज ने, इस समय पंजाब के उत्ते ताकत काबज ने जड़िया इस भगत सिंह की आजादी के खिलाफ सियागियाँ, क्योंकि जो सुपना सरदार भगत सिंह ने लिया अज मैं समझदा देश आजाद हो गया पर लेकिन वह सुपनिया का राज हजे कायम नहीं होया गया। सो आम आदमी पार्टी प्रण करती है कि जोड़ा भगत सिंह के सुपनिया का राज वो आम आदमी पार्टी कायम करेगी। आम लोगों को अंदर नहीं आन दिता जा रहा, सिंगर इतने कई आए हैं उन्होंने अंदर नहीं, उन्होंने कहा जा रहा कि दोपहर तो बाद देखो अज जिहड़ा हैगा जन्मदिन हैगा सारे व्यक्तियों आउण देना चाहीदा गा, आज़ादी आ, देश आज़ाद आ, देश कोई एमरजेंसी नहीं लगी हुई। मैंने इस तरह लग रहा कि कैप्टन साहब की सरकार ने इत्थे एमरजेंसी वर्गे हालात पैदा किए हुए नेगे। सो मेरी प्रशासन नूं, मेरी पंजाब सरकार नूं अपील आ कि पिंड वासियों नूं, इलाका वासियों नूं, जिहड़े भी व्यक्ति अज आउणा चाहुंदे ने सब नूं आउणा चाहीदा गा। इह कोई सरकारी समागम नहीं हैगा, सारिआं दा भगत सिंह जिहड़ा हैगा कल्ले किसे दा नहीं हैगा, भगत सिंह पूरे पंजाब दा, पूरे हिंदुस्तान दा,
पूरी पंजाबीयत तक। चीमा साहब की कहना चाहोंगे सुखबीर बादल लगातार अपने काफले नु लेके ता मत्था टेकन लगे जबकि असि आम आदमी दी गल कर रहे हैं, आम आदमी हले भी बाहर आ आपा उना ले क्यों नहीं संघर्ष। देखो तुसी भी अंदर जाओगे साडे नाल, देखो जिन्ने व्यक्ति मेरे कोले खड़े सीगे जिन्ने व्यक्ति मेनू मिले मैं सारे व्यक्ति नु नाल लेके आयांगा। इन्हां च आम आदमी पार्टी दे बहुत घट नेगे, सारे आम लोग ने, आम घरां दे मुंडे ने, आम घरां दे धीआं पुत्त नेगे। सो जिन्ने व्यक्ति मेनू मिले सी, जिन्ने व्यक्ति मेरे सामने आए सी, मैं सब नु नाल लेके आया। सर सुखबीर बादल कहंदे ने मैं सारे नू जिहड़ा हैगा प्रशासन नाल गल करके सारे नू जिहड़ा हैगा आग्या दिवाउणगा ताकि सारे जिहड़े हैगे नेगे आके भगत सिंह दी सोच ते जाके नतमस्तक होण। सर मूवमेंट नू इक झंडे दे हेठ लियाण दी गल कीती जा रही है कि सारी पार्टियां इकट्ठियां हो के दिल्ली कूच करन इक्को झंडे। देखो अज्ज ओह बाद च करांगे, अज्ज जिहड़ा हैगा सिर्फ असी सिर्फ भगत सिंह नू सोच नू आए जा रही है किसानी मुद्दियां नू लेके। कांग्रेस ड्रामे कर रही है, सारे पंजाब नू पता गा कि यही पंजाब दा मुख्यमंत्री यही राजा अमरिंदर सिंह जिहड़ा हैगा ये काले कानूनां ते मौत दे ब्रंटां ते आप दस्तखत करके आएगा, हुण आके इत्थे ड्रामेबाजी करदा गा। हरपाल चीमा जिहड़े आम आदमी पार्टी के वफद के नाल शहीद आजम शहीद भगत सिंह नूं नमन करन वास्ते खड़कड़ कलां पहुंचे सीगे ते उन्होंने सीधे सीधे हमले जिहड़े हैगे कांग्रेस पार्टी के उत्ते भी कीते ने, क्योंकि जिहड़े आम लोगों नूं इत्थे एंटर नहीं करन दिता जा रहा ते भेदभाव किया जा रहा उस नूं लै के कांग्रेस पार्टी नूं तिखे हमले कीते ने हरपाल चीमा वल्लों। शहीद आजम भगत सिंह दे जन्म दिन दे मौके ते खटखड़ कला पहुंचे राणा गुरजीत सिंह ने खेती बिल लई अकाली दल नूं जिम्मेदार ठहराया। राणा गुरजीत सिंह ने कहा है कि अकाली दल लोकां नूं गुमराह कर रहा ते किसानां नाल वड्डा विश्वासघात कीता है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह दे जन्म दिन ते उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण पहुंचे राणा गुरजीत ने खेती बिल बारे बयान दिंदे अकाली दल ते कई तिखे निशाने साधे, जिथे राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि अकाली दल ने किसानां नाल वड्डा विश्वासघात कीता है। उन्हां कहा कि अकाली दल लोकां नूं गुमराह कर रहा है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह दे जन्म दिन ते उन्हां नूं श्रद्धांजलि देण पहुंचे राणा गुरजीत ने खेती बिल बारे बयान दिंदे अकाली दल ते कई तिखे निशाने साधे, जिथे राणा गुरजीत सिंह ने कहा कि अकाली दल ने किसानां नाल ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ ਔਰ ਗੁੱਝੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਕਨੋਮੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਤੇ ਅਸਰ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ MSP ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ MSP ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸੇਧ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਅੱਜ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 80% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, GST ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ MSP ਹੈ, ਈ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ MSP ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਹੈ।
केंद्र वालों पास किए गए खेती बिलों के खिलाफ पंजाब दे विच लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं ते किसानों के इन धरने प्रदर्शनों विच आम इंसान ही नहीं बल्कि पंजाबी गायकों ने भी मोर्चा सांभलिया अते किसानों के नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ खड़े ने। इसे दे चलदे अज बटाला दे विच पंजाबी इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार पहुंचे ते केंद्र वालों पास किए इन खेती बिलों खिलाफ रोस जाहिर किया। इस मौके गायक कुलविंदर बिल्ला ते दीप सिद्धू ने कहा कि खेती बिलों नूं पास करना केंद्र सरकार की सोची समझी चाल है ते असीं उदों तक सड़कां ते बैठांगे जदों तक सरकार ये बिल वापस नहीं लैंदी। कहने के राष्ट्रपति वालों मोहर लग चुकी है। राष्ट्रपति तो एक नाम मात्र कार्यपालक है, वो पहले ही मोहर लगा के तो राष्ट्रपति बनाया गया। मैनू लगता ना जो भी कुछ होया है तो ऑलरेडी पहली ही प्लैनिंग सी उन्होंने करनी करना सी, पर आप उन्ना चिर लड़ांगे उन्ना चिर आप सड़कों पर बैठा उन्ना चिर कट्ठे होवांगे जिन्ना चिर ये बिल वापस नहीं लिया जाऊगा। बाकी कहते नहीं होंगे कि जदों अपने को जिहड़ियां कंपनियां अपने पंजाब च आउणगियां कोई नहीं फिर आपां नूं देखांगे तां असीं फिर कित्थे तक पहुंचे। की कहना समझदे हो जिहड़े बिल हुण एक्ट बन गया कानून बन गया आने वाले दिनों की दिक्कत होएगी? दिक्कत तो भाई जी बहुत बड़ी, एक एग्जाम्पल दिना मैं थोनू, कोई कंपनी आऊगी वो थोड़े ना कंट्रैक्ट करूगी 15 साल का, वो कहूगी जी सूँ 1,00,000 रुपया पर किला दें गे, ठीक है, पर उन्होंने की करना जी सूँ 2 साल तो दे देना 1,00,000 रुपया, मुड़ के फिर कह देना जी साडा जी घाटा पै गया सानू कोई फायदा नहीं हो रहा, असी तो सूँ 20,000 दे सकते हैं। मुड़ के फिर थोड़े को जोड़े जिन्हों ठेके से हिस्से से जमीन दें वो अपने सारे संद बेच चुके हो गए, की कोई थोड़े को हल नहीं होगा कि वो जमीन असी हूँ किनू ठेके दे दी किमें बाही करिए साढ़े को साधन नहीं है। आखिर में तुम फिर सोचोगे असी उन्होंने क्या कार्रवाई करा केस करा गल एजुटेशन हूँ ये तो होना ही सी। देखो दो गल् जो तुम ऑर्डिनेंस में देखोगे ना ये पिछे थोड़ा कारण देखने पैने, एक तो आर्थिक कारण आ भी यह पूंजीपतियों के कोले साडी किसानी नूं देना चाहते, दूजा कारण आ राजनीतिक कारण जिन्हों देखना ते समझना बड़ा जरूरी आ। जिहड़ी यह नेशन बिल्डिंग की जिद फड़ी बैठी है ना भी एक देश एक मंडी एक देश एक इलैक्शन एक देश एक अनाज वाला अपना राशन कार्ड, ठीक है, तो वह बड़ी वड्डी जिद आ वन सवन्नता जिहड़ी कल्चरल डाइवर्सिटी आ किसी भी घट गिनती दी उहनूं खत्म करना चाहुंदे आ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज पंजाब कांग्रेस भवन च हरीश रावत ते सुनील जाखड़ नाल मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिथे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सारिया पार्टियां नूं एकजुट हो के खेती बिलों का विरोध करने की अपील की। देखो गल सुनो पहला लेट अस फर्स्ट सी धरने धुरने नाल कोई नहीं हुंदा, धरने तां तुसीं 5 मिंट जाओगे उत्थे बह जाओगे और फिर मुड़े आओगे उहदे नाल कोई कानून नहीं चेंज हुंदी। वी हैव टू चैलेंज दिस इशू लीगल कॉन्स्टिट्यूशनली, पहला तो असं ये करा दूजिया गल् सैपरेट जिते तीडर लीडर अगे अगे चलन वाली गल है कि की करना है कट्ठे तुम लीड करो, मैं तो थोड़ू आप ही कह के हटे सारिया गल् छो सियासत छोड़ो कट्ठे हो आप तुरीए आई एम विलिंग टू डू दैट, बट दैट वो अपनी जगह है सियासत की अपनी जगह है और लॉ की अपनी जगह है कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी जगह है, ये दोनों असी साइमल्टेनियसली अगर लौट पवे आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू लीड एनीवन। भारत जिथे कोरोना मरीजों की गिनती च लगातार वाधा हो रहा है उत्थे ही ठीक हो रहे कोरोना मरीजों की गिनती च भी लगातार वाधा हो रहा है ते हुण तक 50 लाख तो वध कोरोना मरीज ठीक हो के अपने घर च वापस जा चुके ने। कोरोना संकट के विचाले भारत लई बेहद राहत वाली खबर है, भारत के विच 50 लाख तो वध कोरोना मरीज ठीक हो चुके ने। वड्डी गल ए वी है कि पिछले 11 दिनां दे अंदर ही 10 लाख लोग रिकवर हुए ने जिसके बाद एक्टिव मामलों की गिनती घट के 9,62,000 रह गई है। हालांकि कुल प्रभावित लोगों की गिनती 60 लाख तो पार है लेकिन इस दे विचों 50 लाख तो वध लोग ठीक हो चुके ने जो कि देशवासियों लई बेहद राहत वाली खबर है। देश भर दे विच तेजी दे नाल लोग ठीक हो रहे ने ते नवे मामले सामने आउण दी तुलना दे विच सेहतमंद होए लोगों की गिनती काफ़ी वध है। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਲਈ ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 1 ਨਿਊਜ਼ ਐਪ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟਾਈਮ।